आज के बैग की शुरुआत करेंगे 4x12 इंच के पीस से, और ये दोनों कुर्ते पीस हैं। इसमें हम 12 इंच की जिप लगाएंगे और एक रनर लगाएंगे, तो 12 इंच की जिप से दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। रनर डालने के बाद अब हम लेंगे 8x10 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 8x8 की 2 पीस लाइनिंग, 8 इंच की 2 जिप, 2 रनर। और इसमें एक पीस में अब हम थोड़ा मेजरमेंट करेंगे। 10 इंच की साइड से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान दोनों पीस पर लगेगा 6 इंच पर। और अब इसको हम 6 इंच पर कट करेंगे, जिप लगाएंगे, रनर डालेंगे और लाइनिंग से कवर कर देंगे। सेम प्रोसीजर में इसको भी तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के बाद 8x12 इंच का पीस लेंगे, और इसमें 2 सेट हमें मैग्नेट बटन चाहिए होंगे, 1 इंच डाउन जा करके, और 2 बटन लगाने होंगे। उसको दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेंगे मार्क को। 1 इंच डाउन लगाना है और बटन लगा देंगे। इसको लगाने के बाद 8x10 इंच का पीस लेंगे, और यहाँ पर मैंने इस तरह से हैंडल तैयार किए हैं। इसका वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, वीडियो बना हुआ भी है और आप लोग इसको बना भी सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में मैंने इसको बनाते हुए दिखाया भी है। तो ये 12 इंच की बेल्ट है, और लूप जो अंदर कपड़ा पड़ा है वो बड़ा है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे, इसमें 1.5 इंच अंदर की तरफ से निशान लगाएंगे और बेल्ट को लगा देंगे। यहाँ पर जो पाइप की नाप है वो 12 इंच है और लूप बड़ा है, ताकि हमको सिलने में आसानी रहे।
जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब इसको बनाने के बाद हम लेंगे 8x24 इंच का पीस, और इसमें मैंने मेजरमेंट किया है 8 इंच के 3 पार्ट किए हैं। ये देखिए ये 8 इंच के 3 पार्ट हैं, दिखा देती हूँ, 8 इंच 8 इंच 8 इंच। और अब जो इसका जो बीच का पार्ट है इस पर हम ये 8x10 का पीस लेंगे, और जो 8 इंच का बॉटम है हैंडल के अपोजिट साइड का उसको बीच वाले पार्ट में जोड़ देंगे। अब इधर का 8 इंच और इधर का 8 इंच आपस में जोड़ देंगे। यहाँ डबल मशीन, फिर दूसरे साइड का भी जोड़ देंगे। सेम प्रोसीजर में दूसरा वाला 8x10 का जो पीस है उसको भी पहले बॉटम जोड़ेंगे, फिर साइड में 8 इंच 8 इंच जोड़ देंगे। और ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। अब इसके बाद 8x12 इंच का पीस लेंगे। तो ये हमारा 8x10 था, तो इसमें 2 इंच इधर बचा, 2 इंच इधर, ये पूरा 12 हो गया बीच में। अब इसको पहले 12 इंच को जोड़ेंगे, फिर 8 इंच को जोड़ेंगे, हैंडल अंदर कर देंगे, इस तरह से 8 इंच जोड़ेंगे, दूसरे साइड का 12 इंच जोड़ेंगे, और जो जिप है वो जिधर लाइनिंग है उस साइड आनी चाहिए, इस तरह से जोड़ना है। तो 8 को 8 से जोड़ेंगे, 12 को 12 को, इसी तरह से चारों तरफ इसको जोड़ देंगे। तो पहले 12 इंच जोड़ देते हैं दोनों साइड के। अब यहाँ पर जो जोड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैंने डबल मशीन चलाई है जिससे कि मजबूत रहे। इसी तरह से इधर भी हैंडल अंदर करते हुए और जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर हम डबल मशीन चलाएंगे। इंच को जोड़ देंगे,
यहाँ पर जब 8 इंच हमने जोड़ा तो शुरू में डबल मशीन, और जहाँ पर हैंडल जोड़ा है वहाँ डबल मशीन और ज़िपर डबल मशीन, और इसी तरह से इस साइड भी और इस साइड भी हमने डबल मशीन चलाई जिससे कि मजबूत रहे। अब इसको हम सीधा करेंगे। और इस बैग में आधा मीटर कपड़ा अगर आप ले लेंगे तो बच भी जाएगा और बैग भी बन जाएगा आपका। आधे मीटर से कम कपड़ा ही लगा है। वैसे तो मैंने इसको जो मशीन का चिकन का वर्क होता है उसमें का सूट बना था, तो मैंने उस बचे हुए कपड़े का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं और ये सीधा हो गया है। कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको ऑफिस, शॉपिंग, कहीं मिलने जा रहे हैं, जैसे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, इस तरह से बहुत चलन में होते हैं आजकल डिज़ाइनर बैग। तो और इसमें मैंने 16 नंबर की सुई, मैं जितने भी क्विल्ट करती हूँ सब में 16 नंबर की सुई ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से ये बैग कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।